लेकिन खुदा किसी का मोहताज नहीं है, वो किसी भी मसले में
दुआए अरफा में भी अगर आप पूरी दुआए अरफा को पढ़ेंगे उसका दो जुमलों में खुलासा करेंगे मौला इमाम हुसैन की दुआए अरफा को, तो दो जुमले यही होंगे कि एक जुमले में इंसान ये कहता है कि परवरदिगार तू गनी मुतलक है, सिर्फ और सिर्फ बेनियाज तू है, मैं फकीर महज हूँ, यानी क्या मेरे पास सिवाय आजिजी और नातवानी के कुछ भी नहीं है। हम एक कपड़ा सिलाना चाहते हैं एक टेलर के मोहताज हैं, बीमार होते हैं डॉक्टर के मोहताज हैं, अपना घर बनवाना चाहते हैं तो एक इंजीनियर और एक मिस्त्री के हम मोहताज हैं, है ना, अपना बाल बनवाना चाहते हैं तब भी हम मोहताज हैं, हर चीज़ में हम मोहताज हैं, सही, किसी ना किसी तरीके से हम डिपेंड हैं दूसरों के ऊपर। लेकिन अगर कोई ज़ात है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, हर चीज़ उस पर डिपेंड है, तो वो खुदा की ज़ात है। अल्लाह समद का मतलब ये है ना। दूसरा समद के मानी यानी वो जो हर एक की पनाहगाह है, यानी हर एक को अगर कोई पनाह दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की ज़ात है। और एक माना इसका बयान किया गया है समद यानी हर एक की हाजत रवाई करने वाला, यानी वो इतनी कुदरत रखता है कि किसी भी इंसान की किसी भी हाजत को किसी भी वक्त वो पूरा कर सकता है, अपने इरादे में वो पूरा मुख्तार है। अच्छा, लम यलिद वलम यूलद, ये तर्जुमा जो बेहतरीन तर्जुमा जो इसका किया गया है वो यही है कि ना उसने किसी को जना है और ना ही उसको किसी ने जना। ये बहुत अजीब तर्जुमा किया है, वाकई सही तर्जुमा यही है कि उसने भी किसी को पैदा नहीं किया है, सही, और ना ही उसको किसी ने पैदा किया है। या सीधे साधे अल्फाज में हम ये कह दें तो ना इसकी कोई औलाद है और ना ही ये किसी की औलाद है। क्यों? इसलिए कि अगर हम ये मान जाएं कि ये इसकी औलाद है तो इसका मतलब ये होगा कि फिर ये भी किसी की औलाद होगा, और जो औलाद है जाहिर सी बात है इसका मतलब ये होगा कि पहले वो नहीं थी बाद में वजूद में आई है। लेकिन हम खुदा के लिए ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो पहले नहीं था बाद में आया, वो अजली है और अबदी, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो लम यलिद वलम यूलद यानी उसकी कोई औलाद नहीं है, तौलीद मिस्ल नहीं है और वो भी किसी की औलाद नहीं है। तो ये फिकरा ये आयत यानी लम यलिद वलम यूलद, उस्ताद हुसैन अंसारियान फरमाते हैं कि ये तमाम मुशरिकीन का अहले किताब का जवाब है। मुशरिकीन क्या कहते हैं? जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह की बेटियां हैं, सही। यहूद कहते हैं उज़ैर खुदा के बेटे हैं, हज़रत उज़ैर, उज़ैर पैगंबर। नसारा कहते हैं कि हज़रत ईसा खुदा के बेटे हैं। तो ये आयत उनका जवाब दे रही है कि खुदा की कोई औलाद नहीं है, है ना, वो भी किसी की औलाद नहीं है। तो ये सब का जवाब देकर इंसान और खुदा की पूरी तरीके से वहदानियत का इकरार करता है और आखिर में इंसान कहता है वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, यानी क्या उसका ना कोई हमसर है और ना ही कोई उसका साथी है, सही, वो अपनी ज़ात में बिल्कुल अकेला है, किसी तरीके का ज़र्रा बराबर भी हम ये नहीं कह सकते कि उसकी मदद के लिए कोई है, उसकी हेल्प के लिए कोई है, ये बिल्कुल नहीं है। वो गनी मुतलक है तो बिल्कुल अकेला है अपनी ज़ात में। अच्छा, तो जब हम ये कहते हैं कि उसका कोई हमसर नहीं है तो एक चीज़ में नहीं बल्कि किसी भी खुदा की सिफत में कोई भी बराबरी करने वाला नहीं है, चाहे खुदा का इल्म हो, चाहे खुदा की कुदरत हो, उसके अजली और अबदी होने के एतबार से हो, या ही उसके राज़िक होने के ऊपर हो, उसके रहमान और रहीम होने के ऊपर हो, किसी भी तरीके से हम किसी भी खुदा की सिफत में
दूसरे को बराबरी का दर्जा दे नहीं सकते। तो गरज ये कि इंसान सूरह तौहीद पढ़ता है तो सबसे बड़ी बात इसके नाम ही से जाहिर है कि इंसान खुदा की वहदानियत का इकरार करता है, खुदा की बारगाह में हाजिर होता है। तो वो ये एतराफ़ के साथ आता है कि खुदाया तू ही समद है, यानी बेनियाज हकीकी है, मैं एक फ़कीर बनकर तेरी बारगाह में आ रहा हूँ, अगर तेरा लुत्फ़ करम ना हो तो एक लम्हे के लिए भी मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा और ना ही मेरा ईमान बाकी रहेगा। लिहाजा हम नमाज के आखिरी सजदे में कभी दुआ ये भी करते हैं कि इलाही ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आईनी अबदा, परवरदिगार तू मुझे एक लम्हे के लिए भी, ये तरफत आईनी आईन आंख के माना में है, तरफ यानी झपकने के माने में, यानी पलक झपकने के मोहलत में भी तू हमें हमारे हवाले ना कर दे। अगर इतनी देर भी तूने कर दिया तो उसी एक पलक झपक की फुर्सत ही में हमारा ईमान जा सकता है, हम शैतान के वसवसे में आ सकते हैं। लिहाजा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आईनी अबदा, परवरदिगार तू मेरे नफ्स को मेरे हवाले एक लम्हे के लिए भी ना करना। तो इंसान इस एतराफ के साथ नमाज में आएगा और नमाज पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह तो उसकी नमाज को उरूज मिलेगा। और जो पैगंबर ने फरमाया है कि नमाज मोमिन की मेराज है, वो मेराज इंशाअल्लाह उसे हासिल होगी। खुदा की बारगाह में दुआ है खुदा बंदे आलम हम सबको वाकई मानों में नमाज के मफहूम को समझकर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل